हेलो फ्रेंड्स, व्यूर टेक्नोलॉजी के इस चैनल में आपका स्वागत है। और इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे कि वर्टिकल नेविगेशन बार और मेनू कैसे क्रिएट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये HTML फ्रंट पेज है और यहाँ पर मैंने style.css को लिंक कर रखा है और उसका पेज ये है। और ये मैंने जावा स्क्रिप्ट लिंक कर रखी है, उसका पेज ये है। बट नेविगेशन बार क्रिएट करने के लिए स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने ऑलरेडी लिंक कर रखा है। सो आई होप आपने ये फ्रंट पेज इंडेक्स पेज आपने क्रिएट कर रखा होगा। हम बॉडी टैग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेनू क्रिएट करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्जांपल ब्लॉग, वीडियो, कॉन्टेक्ट, अबाउट या होम। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं। और उसको इन टैग से क्लोज कर देंगे। और अब यहाँ पर हम कुछ मेनूज क्रिएट करेंगे। मेनूज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले लिस्ट टैग यूज़ करेंगे और फिर यूआरएल क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पर हम कोई भी यूआरएल नेम, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम दे रहे हैं ब्लॉग। और ई ब्लॉग यहाँ पर मैंने इसलिए दिया है कि इन फ्यूचर जब भी आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो मे बी यहाँ पर आप अपने पेज का लिंक कर सकते हैं, होम का या ब्लॉग का या वीडियो का। सो यहाँ पर इसका नेम हम देते हैं ब्लॉग। और इस लिंक को अब हम क्लोज कर देंगे। और एलआई टैग को भी, लिस्ट टैग को भी क्लोज कर देंगे। अब इसके हम फोर कॉपी कर लेंगे इसी 4 टाइम्स इस लिंक को। और यहाँ पर एड योर चॉइस, जो भी आप मेनू क्रिएट कर रहे होंगे नेविगेशन बार, उसका नाम आप अपने अकॉर्डिंग दे देंगे। यहाँ पर मैं इसका वीडियो दे रहा हूँ। और इसका थर्ड का मैं कॉन्टेक्ट दे रहा हूँ। और फोर्थ का यहाँ पर मैं अबाउट दे दूंगा। और यहाँ जो लिंक है उसको भी मैं अबाउट ही दे दूंगा। अब इसको हम Ctrl+S कमांड से सेव कर लेंगे और इसको गूगल क्रोम पर हम रन करके चेक करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 4 लिंक क्रिएट हो गए हैं मीनू के। ब्लॉग और वीडियो, और आप देख रहे हैं ये जस्ट नॉट अ टेक्स्ट, इट इज़ अ लिंक, ये लिंक भी है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसको सीसेस के थ्रू एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, जो कि आप प्रोफेशनल वेबसाइट या कहीं पर भी ब्लॉग या आप देख रहे होंगे, उसके लिए हमने जो यहाँ पर style.css को लिंक किया है, इसी पेज में यहाँ पर style.css में जाएंगे और वहाँ पर हम इसकी डिजाइनिंग करेंगे। सो सबसे पहले हमने जो यहाँ पर ये अनऑर्डर लिस्ट टैग दिया है, इसकी डिजाइनिंग करेंगे, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये टोटल अनऑर्डर लिस्ट के अंदर है। सो यहाँ पर हम ये अनऑर्डर लिस्ट टैग की डिजाइनिंग करेंगे। सबसे पहले उसकी डिजाइनिंग करने के लिए हम अनऑर्डर लिस्ट को टारगेट करेंगे और उसके बाद लिस्ट स्टाइल दे देंगे। लिस्ट स्टाइल और उसका टाइप दे देंगे और उसके बाद हम उसको नन दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम मार्जिन देंगे, मार्जिन को हम 0 दे देंगे, 0 पिक्सल। और उसके बाद इसको Ctrl+S कमांड करके ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। आप देख रहे हैं इसमें जो भी ये बुलेट्स थी यहाँ पर वो रिमूव हो चुकी हैं। सो मैं यहाँ पर मार्जिन इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो भी यहाँ पर लिस्ट बुलेट्स वगैरह थी वो रिमूव हो गई हैं। अब यहाँ पर हम पैडिंग टैग दे देंगे, पैडिंग। और उसको भी 0 कर देंगे, रिफ्रेश करेंगे। आप देख रहे हैं पैडिंग देते ही वो साइड में अपने आप चला गया, लिस्ट जो भी थी वो साइड में हो गई। अब इसकी हम विड्थ दे देंगे, विड्थ मीन्स उसकी चौड़ाई। फॉर एग्जाम्पल 200 पिक्सल।
कंट्रोल एस कमांड से सेव करेंगे, फिर से ब्राउजर पर आएंगे और F5 से रिफ्रेश करेंगे। आप देख रहे हैं मैं इसको जूम करता हूँ आपके समझने के लिए, ओके। और आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर इसका विड्थ का साइज चेंज हो गया है, ओके। ये यहाँ पर विड्थ का साइज 200 पिक्सल है, वो अभी बाद में समझने आएगा, ओके। और उसके बाद हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे देंगे इसका, फॉर एग्जाम्पल और ग्रीन, ओके। आप एज योर चॉइस अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। अब मैं F5 से रिफ्रेश करूँगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बैकग्राउंड जो विड्थ का साइज हमने 200 पिक्सल यहाँ पर दिया था, ओके, वो यहाँ पर ये देख रहे हैं 200 पिक्सल तक आपको कलर शो कर रहा है, ओके। और ये ग्रीन मैंने जो वहाँ पर बैकग्राउंड कलर दिया है वो यहाँ पर 200 पिक्सल तक शो कर रहा है, ओके। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिस्ट में डिजाइनिंग करेंगे, ओके। सो इसके लिए हम लिस्ट टैग को टारगेट करेंगे, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ये लिस्ट टैग हैं, इसलिए हम लिस्ट को टारगेट कर रहे हैं, ओके। अब लिस्ट को टारगेट करने के लिए हम यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक दे देंगे, उसकी प्रॉपर्टी ब्लॉक, ओके। और कलर जो फंड का कलर है, ओके, कलर और कलर का कुछ भी दे सकते हैं आप, फॉर एग्जांपल वाइट। कंट्रोल इस कमांड से सेव किया, और जैसे ही हम इस पे ब्राउजर पे आएंगे, आप ये जो यहाँ इसका टेक्स्ट कलर है फंड कलर, वो डिफरेंट टाइप का है, जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे वो वाइट हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही हमने इसको रिफ्रेश किया वो वाइट हो गया, ओके। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये उसका फंड कलर है जो यहाँ पर मैंने लिस्ट टैग के अंदर दिया है, ओके। अब हम यहाँ पर पैडिंग साइज दे देंगे 8 पिक्सल, 10 पिक्सल, ओके। अब इसको हम कंट्रोल कमांड से सेव करके फिर से रिफ्रेश करेंगे। आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने उसको साइज दिया इसका साइज चेंज हो गया, ओके। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट डेकोरेशन दे देंगे, क्योंकि ये जो यहाँ इसके नीचे एक लाइन दिख रही है, इसको रिमूव करने के लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन दे देंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन टैग का यूज़ करेंगे, ओके। यहाँ पर हम टेक्स्ट डेकोरेशन टैग यूज़ करेंगे, ओके। और टेक्स्ट डेकोरेशन को भी नन दे देंगे, मीन्स उसकी कोई वैल्यू नहीं, ओके। और F5 से रिफ्रेश करेंगे तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन इसके नीचे दिख रही है ये रिमूव हो जाएगी। कंट्रोल F से मैंने रिफ्रेश किया और आप देख रहे हैं इसके नीचे वो लाइन रिमूव हो गई है, ओके। अब ये जो टेक्स्ट यहाँ पर इस साइड में शो कर रहा है लेफ्ट में, ओके, तो इसको हम राइट में भी कर सकते हैं, सेंटर में भी कर सकते हैं, बट जो वर्टिकल नेविगेशन बार होता है उसमें टेक्स्ट को सेंटर में ही करने में उसका रिस्पॉन्सिव होता है, ओके। इसलिए हम यहाँ पर टेक्स्ट एलाइन टैग का यूज़ करेंगे, टेक्स्ट एलाइन, ओके। और यहाँ पर उसकी वैल्यू सेंटर दे देंगे, ओके। और कंट्रोल एस से रिफ्रेश करेंगे तो ये जो फंट है ये यहाँ पर मिडिल में आ जाएंगे। F5 से रिफ्रेश किया वो सेंटर में आ गए, ओके। अब इस पर हम जब भी आप कर्सर ले जाते हैं किसी मीनू पे उसका कलर चेंज हो जाता है, सो उस टाइप की मीनू क्रिएट करने के लिए, नेविगेशन बार को क्रिएट करने के लिए हम होवर टैग का यूज़ करेंगे। सो हम लिस्ट को ही टारगेट करेंगे, ना कि अनऑर्डर लिस्ट को, क्योंकि हम जब भी किसी फंड पे जा रहे हैं तो वो लिस्ट है, ना कि अनऑर्डर लिस्ट है, क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट हमने क्रिएट किया है, इसलिए हम लिस्ट टैग को टारगेट करेंगे, ओके। यहाँ पर LI और A और उसके बाद होवर टैग का यूज़ करेंगे एनिमेशन के लिए, ओके। अब यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे, और बैकग्राउंड कलर मैं वाइट दे रहा हूँ, ओके। और जो इसके बाद इसका हम कलर दे देंगे, कंट्रोल इस कमांड से सेव कर रहे हैं, रिफ्रेश करेंगे। अब जैसे ही हम इस कर्सर को किसी भी उस पर ले जाएंगे, अबाउट कॉन्टेक्ट या किसी भी नेविगेशन बार पे, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए, अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जैसे हम इस पर कर्सर ले जा रहे हैं तो ये इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, इसलिए फ्रंट का कलर वाइट है तो वो भी वाइट ही हो जा रहा है, जो कि नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम यहाँ पर इसका भी कलर चेंज करेंगे, कलर फ्रंट कलर हम वाइट कर देंगे। और ये यहाँ पर जो फंड कलर है वो जब लिस्ट मीन्स विदाउट होवर के यूज हुए सिंपल लिस्ट में, तब वहाँ पर उसका वाइट था, बट जब हम होवर के साथ एनिमेशन के साथ यूज करेंगे तो यहाँ पर
सॉरी सेव करेंगे, और जैसे ही यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे F5 से, आप देख रहे हैं जिस भी हम उस पर कर्सर ले जा रहे हैं मेनू पे, ओके फॉर एग्जांपल वीडियो ब्लॉग किसी पे भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ प्रॉपर्टी का कलर हम ब्लैक देंगे, ब्लैक, कंट्रोल इस कमांड से सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, देख रहे हैं टोटल नेविगेशन पर ब्लैक हो गया है। ओके सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।